डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, टर्म्स पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ठीक है। अब यहीं पर इन टर्म्स का यूज होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कैरेक्टर क्या होता है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाइट इज अ कैरेक्टर ट्रेट, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा। हाइट हमने क्या कहा, कैरेक्टर का, तो ट्रेट क्या हो जाएगा, टॉल है या ड्वार्फ है। फिर हमने जीन्स का, ट्रेट को कौन बताएगा, जीन्स बताएगा। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। जीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो जीन हमेशा, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके सेम उसी जगह पे होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ठीक उसी जगह पे एक और जीन भी प्रेजेंट होगा, उसकी अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होगी उसी जीन की, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एलील कहलाई जाएगी। अगर एलील एक जैसा होगा तो होमोजाइगस, अगर अलग अलग होगा तो हेट्रोजाइगस का आ जाएगा। क्लियर है ना बेटे सारे बच्चों को। फिर हमने कहा कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जब अपने आपको एक्सप्रेस कर पाएगा इन बहुत ज्यादा सिचुएशन, ठीक है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के अंदर, तो उसे हम क्या नाम देंगे, डोमिनेंट। और जब अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल टी, उसे हमने क्या नाम दिया था, रिसेसिव नाम दिया था। ओके बेटा, देन मोनोहाइब्रिड मतलब क्रॉस विद द सिंगल कैरेक्टर एंड क्रॉस विद द टू कैरेक्टर। आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने F1 F2 जनरेशन बताई थी, क्लियर है ना बेटा। हम F2 जनरेशन तक ही निकाल के दिखाएंगे किस तरह से मेंडल ने अपने 7 साल इस तरह से क्रॉस करके बताया, और जो रिजल्ट निकले सबके सेम निकले थे, ठीक है। उसने मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया था, वहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था। तो अगर हम बात करें, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में पढ़ा था हमने, उसकी पूरी आपको हिस्ट्री स्टोरी बताई थी कि किस तरह से कैसा था वो, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपना पेपर भी पब्लिश किया, लेकिन वो क्या हुआ, पब्लिश भी हुआ बट उसको वहाँ पे वो फेम नहीं मिला, और वो फेम कब मिला, उसके मरने के 16 ईयर्स बाद मिला। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, पता है ना। तो आज हम बात करेंगे जो मेंडल्स के वर्क है, मेंडल ने 2 क्रॉस करवाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है, क्रॉस विद अ सिंगल कैरेक्टर। इन्होंने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को चूज किया और वहां पे क्रॉस निकलवाए F2 जनरेशन, और इन्होंने जितनी भी क्रॉस शुरू करवाई है वो प्योर पेरेंट्स से शुरू करवाई है। बेटा किस तरह से शुरू करवाई है, प्योर पेरेंट्स। जैसे आप, मैंने आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए थे, याद है ना सारे बच्चों को, और किस तरह से बताए थे, मैंने तवागिरी करके बताए थे। क्या बताए थे, तवागिरी, टोल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था, ड्वार्फ। अभी मैं आपको बताऊंगी सारी की सारी चीजें, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वॉयलेट या पर्पल, मैंने आपको कहा था वॉयलेट या पर्पल, लेकिन वॉयलेट कहते हैं, किसी में पर्पल भी मिल जाएगा। और इसके अगेंस्ट कैसा था बेटा, व्हाइट, जो रिसेसिव जीन्स थे, ये डोमिनेंट थे और ये रिसेसिव। ऐसे क्या थी, एक्सियल पोजीशन, और टी से क्या पोजीशन थी, टर्मिनल पोजीशन थी, ठीक है। जी से अगर हमने बात की तो क्या थी, पॉड का कलर ग्रीन था, और येलो क्या था, रिसेसिव था। आई से हमने क्या कहा था, इन्फ्लेटेड कहा था, खुली हुई थी, ठीक है, फुल जिसे बोला जाता था कि बड़ी बड़ी, और ये क्या थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, चिपकी हुई सी थी, क्लियर होगा। आर से हमने क्या कहा था, सीड की शेप राउंड कहा था, और यहाँ पे क्या होगी, रिंकल्ड। और वाई से हमने क्या कहा था, येलो, और यहाँ पे हमने क्या कहा था, ग्रीन। तो ये कैरेक्टर्स लिए, तो ये डोमिनेंट प्योर लिए इन्होंने, और प्योर इन्होंने करवाए, सेल्फिंग करवा के। मान लो इसको टोल प्लांट ही मिला, कैसा प्योर मिला, टोल प्लांट मिला, तो उसने सेल्फिंग करवाई, ये उसके फ्लावर्स थे, तो उसके अंदर उसने क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी पूरी की पूरी। सेल्फिंग करवाने के बाद जो रिजल्ट आए, वो सीड्स आए, सीड्स को दोबारा से ग्रो किए, तो प्लांट कैसे आए, टोल ही आए, ठीक है। फिर कंफर्म करने के लिए उन्होंने इस तरह से सेल्फिंग करवाई, हाँ भी प्लांट कैसा आया, टोल, ओके। फिर उन्होंने ड्वार्फ के अंदर सेल्फिंग करवा दी, कि भाई प्योर निकालने के लिए उन्होंने प्योर पेरेंट्स लिए, कि होमोजाइगस कंडीशन में लिए, क्योंकि उस टाइम वो जीन्स थोड़ी ना कि क्रोमोसोम निकाल के नहीं दिया उसने, इस तरह से उसने खाली ग्रो करवाता चला गया, तो वहीं से उसने निकाला। ड्वार्फ अगर हम बात करेंगे तो उसने उस सेम ड्वार्फ के अंदर ही प्लांट्स के अंदर सेल्फिंग करवाई, जो नया प्लांट बन के आया वो भी ड्वार्फ आया, हर बार वो प्लांट ड्वार्फ ही बन, जितने भी प्लांट, जितने भी सीड्स आए, क्योंकि मैंने आपको रिप्रोडक्शन बता चुकी हूँ, ऑविल का नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है ऑयल के नंबर बहुत, एक पॉड में आप देख लो कितने ज्यादा ऑयल के नंबर होंगे, तो रिजल्ट ज्यादा आता है प्लांट्स के केस में, न्यू जनरेशन काफी आती है, तो हर बार क्या प्लांट आ रहे थे वहां पे, हर सीड, जितने भी सीड बन रहे थे, हर सीड से जब जर्मिनेट करवाया प्लांट तो क्या आया, ड्वार्फ। तो इस तरह से उन्होंने प्योर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, क्या क्या बताया इन्होंने, प्योर पेरेंट्स से सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने अपनी पहली जनरेशन निकाली, F1 जनरेशन निकाली, और उसके बाद इन्होंने क्या कि F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाया, और उसके बाद नई जनरेशन निकाली, क्या निकाली, F2 जनरेशन निकाली। तो देखो बेटा, हम यहीं से, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेंडल ने लिए प्योर पेरेंट्स लिए,
और मैंने आपको बताया प्योर पेरेंट्स उन्होंने इस तरह से निकाल दी। अब मैं जैसे आपको करती जा रही हूँ किस तरह से, एक तो सबसे पहले उन्होंने प्योर पेरेंट, प्योर ड्वार्फ एंड प्योर टोल के बीच में क्या करवाया, उन्होंने क्रॉस करवाया। हमने क्या था मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या था, क्रॉस विद अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाना। फिर सात कैरेक्टर में उन्होंने एक कैरेक्टर चूज किया और सबसे पहला कैरेक्टर जो उन्होंने चूज किया वो क्या किया इन्होंने हाइट किया। क्या किया बेटा इन्होंने हाइट किया। देखना आप मैं किस तरह से लिखूंगी क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन निकालना आता है, डिस्क्राइब मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यह क्वेश्चन को एनसीईआरटी में अलग तरह से दिया हुआ है, हम सारे के सारे चीज बताएंगे आपको, बट आज आपको सबसे अच्छे से समझना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके बेटा देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पेरेंट्स, एक पेरेंट मतलब मेल पार्ट होगा और एक क्या होगा फीमेल पार्ट्स के बीच में, ये इसका मतलब क्या हो गया क्रॉस करवाई जा रही है, फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है। फिर अगर हम बात करेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब सबको पता है एक्सप्रेशन हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, भाई हाइट क्या ली है तो हाइट क्या, हाइट तो कैरेक्टर हो गया तो इसका डोमिनेंट एंड रेसेसिव कौन क्या था बता, अभी भी मैंने बताया डोमिनेंट क्या है टॉल और रेसेसिव क्या है ड्वार्फ लिया। फिर उन्होंने प्योर पेरेंट्स लिए, प्योर टॉल लिए एंड प्योर ड्वार्फ लिया। क्लियर बेटा, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, एक तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो ना कि मेल को आपने टॉल लिया, फीमेल में भी आप ड्वार्फ वाले का क्या ले सकते हो फीमेल पार्ट कार्ड पर ले सकते हो और वहां पे मेल में इस तरह से ले सकते हो। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया प्योर टॉल फ्लैग लिया और क्या लिया प्योर ड्वार्फ लिया। अब क्या निकाले जाएंगे जीनोटाइप, क्या निकाले जाएंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब सबको पता है ना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको जीन की फॉर्म में लिखना है। प्योर है, प्योर मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्योर का मतलब क्या होगा जो होमोजाइगस कंडीशन में हो गया, डोमिनेंट है टॉल डोमिनेंट है बताया सारे बच्चों को मैंने वहां बताया, तो यहाँ पे इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म भी कौन सी हो गई है कैपिटल टी, इसीलिए तो हम पेयर में लिख रहे हैं और इसकी क्या हो जाएगी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, बिकॉज प्योर पेरेंट्स है, कहीं पर भी प्योर वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा होमोजाइगस कंडीशन में लिया गया है। आगे मेरी बात समझ में, आगे बेटा मेरी बात समझ में, अब क्या बनेंगे, ये क्या बन गए हमने जीनोटाइप लिख लिए, अब क्या बनेंगे गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे गैमेट्स बनेंगे। आपको सबको पता है रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं आपको बात करूं भाई डिप्लॉइड सेल है इस तरह की कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है और यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं तो एक टी इसके अंदर आ जाएगा और एक टी इसके अंदर आ जाएगा, एक सेल से दो ही तो गैमेट बन रहे थे, बन रहे थे या नहीं बन रहे थे इन द प्लांट के इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ठीक है तो यहाँ पर जो गैमेट बन रहे हैं बेटा कितने बनेंगे कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी गैमेट्स बनेगा। ओके किस तरह से देखो अब याद रखना, जैसे कि क्रोमोसोम हमने बात की भाई एक क्रोमोसोम यहाँ पे है एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, कैपिटल टी इसमें था कैपिटल टी इसमें था, सेपरेट हो गया तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया तो ये कैपिटल टी आ गया और ये कैपिटल टी, तो गैमेट्स कितने बन गए हैं दो, कॉमा लगा दिया मैंने इसके अंदर, अब ध्यान देना ये सारे फॉर्मूले के साथ बताएंगे हम सारा का सारा, तो गैमेट कितने बन गए हैं दो बन गए। अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, भाई पॉसिबिलिटी है ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो चार जनरेशन बन सकती है। मैं आपको इनमें सबके फॉर्मूले बताऊंगी कितने तरीके फिनो, फिर नई जनरेशन को हम क्या कहेंगे ये प्रोजेनी कहेंगे, क्या कहेंगे नई जनरेशन को हम क्या कहेंगे प्रोजेनी, तो यहाँ पे चार प्रोजेनी बनेगी, क्या बनेगी चार प्रोजेनी और ये जो नई जनरेशन आई है यहाँ पे पेरेंट्स पेरेंट्स को क्रॉस करवाया रिजल्ट आया तो कौन सी जनरेशन आएगी F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन भी कहा जाएगा, कौन सी जनरेशन आएगी बेटा F1 जनरेशन, चार बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्या बनेंगे चार जनरेशन आई है चार प्रोजेनी बनी है F1 में चार मेंबर बनेंगे, ठीक है पॉसिबल जरूर नहीं आदमी फर्टिलाइज तो उसके खाली मैथ के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकला, ठीक है अब देखना कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये बताओ मुझे कैसा प्लांट होगा,
भाई कैपिटल टी डोमिनेंट नेचर का आ गया तो प्लांट कैसा हो गया टोल, लेकिन हाइब्रिड क्योंकि इस वाला भी जीन आ गया तो हम हाइब्रिड टोल कह देंगे। प्लांट बनेगा टोल, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ऑल प्लांट्स आर टोल। कैसे प्लांट बनेंगे? टोल प्लांट बनेंगे। ओके बेटा, उनके सीड आए, उसके जर्मिनेट करवाए तो प्लांट कैसे आए हैं? टोल आए हैं। अब जो F1 जनरेशन के जो जो प्लांट आए उसके बीच में उसने क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। मेल भी यही ले लिया और दूसरे एक फ्लावर का भी सेम, ये दोनों चीजें यही जो इसके रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, समझ रहे हो ना? सारे बच्चे समझ रहे? टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट जो सीड निकाले, सीड की उन्होंने जर्मिनेट किए, जब जो नए सीड नए फ्लावर आए उस नए प्लांट के ऊपर तो उनके एक का मेल पार्ट ले लिया, एक का मतलब जनरेशन वही निकली थी तो सेल्फिंग करवाई गई। क्या करवाई गई वहां पर? सेल्फिंग करवाई गई, मेल भी वही लिया और फीमेल भी वही लिया। सेल्फिंग में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब दोबारा से क्या बने हैं? गैमेट्स बने हैं। क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे, सेम सेपरेट हो जाएंगे। सेम क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे। सेम क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। ओके, जैसे इस तरह से ये गैमेट, अब ये वाली जनरेशन है भी इस तरह की, एक में कैपिटल टी है, एक में स्मॉल टी है, हो गया। एक इधर गैमेट, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये सेपरेट हो गया। एक में कैपिटल टी आ गया और एक में स्मॉल टी आ गया, तो एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुई। क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन क्या कहलाई जाएगी? F2 जनरेशन कहलाई जाएगी। तो उन्होंने F2 जनरेशन तक निकाली। मैं आपको पहले बता चुकी है कि F1 और F2 जनरेशन क्या होगी। F1 जनरेशन मतलब पेरेंट्स को क्रॉस करवा के जो पहला रिजल्ट आया F1 जनरेशन, या F1 जनरेशन क्या आई थी? टॉल आए थे, हाइब्रिड आए थे, एक इसका जीन आ गया, एक इसका जीन आ गया, सेल्फिंग करवाई, फिर गैमेट बने, फिर क्या होगी? F2 जनरेशन होगी। अब F2 जनरेशन के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा, F2 जनरेशन के लिए बात करूँ तो सेम अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं बेटा? नॉर्मल कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी कैपिटल टी, ये आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इससे ये भी मल्टीप्लाई हो भाई, पॉसिबल है, पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल प्रोजेनी बन सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये वाला भी क्या हो गया? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम काफी कैरेक्टर को ले लेते हैं और क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्या आती है? दिक्कत आती है इस तरह से क्रॉस करने के लिए। तो एक पन्नट नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा? पन्नट नाम के साइंटिस्ट ने इस क्रॉस को दिखाने के लिए चेक्स का यूज किया गया, एक चेकर बोर्ड बनाया। क्या बनाया उन्होंने? एक चेकर बोर्ड बनाया, और चेकर बोर्ड इस तरह से, एक तरफ तो किसके लिखे जाएंगे? मेल गैमेट, और एक तरफ किसके लिखे जाएंगे? फीमेल गैमेट। इधर मेल गैमेट, इधर फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बना, और फीमेल गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बने हैं, बने हैं ना इस तरह से बेटा। अब इसको इसको क्रॉस करवाएं, कैपिटल टी, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें नहीं पता फ्यूज किसका हुआ है, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तो इसी तरह से, और ऐसे ही तभी तो ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही तो दिया, तभी तो साइंटिस्ट नहीं समझ पाए थे। कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद क्या है? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्या है? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस तरह की जनरेशन आ गई वहां पे, सेकेंड जनरेशन चार ही बने, प्रोजेनी तो चार ही आई, कैपिटल टी स्मॉल टी आई और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आई। आगे मेरी बात समझने, उन्होंने F2 जनरेशन तक निकाला, F2 एक प्लांट से शुरुआत की उन्होंने, और उस तरह से इकट्ठा करता चला गया, जब उसने रेशो निकले, ठीक है, कैलकुलेट करते कितने, तो उसका 3:1 रेशो की, तीन तो टॉल जितने भी प्लांट थे उनके अंदर तीन तो टॉल कैटेगरी के आ रहे थे, और एक ऐसा प्लांट आ रहा था ड्वार्फ। अब आप मुझे बताना, ये प्लांट दोनों डोमिनेंट आ गया तो प्लांट कैसा हो गया? टोल। ये और ये है कैपिटल टी आ गया तो कैसा प्लांट हो गया? टोल। ये और ये आया तो प्लांट कैसा हो गया? टोल। अभी रिसेसिव जीन्स आ गए हैं तो प्लांट क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। बेटा आपसे यहाँ पे रेशो निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाएंगे? रेशो। रेशो में पूछते हैं व्हाट इज फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो, कि फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो
कौन सा होगा, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कौन सा है। तो फिनोटाइप के बारे में आपको सब कुछ पता है ना, फिनोटाइप का मतलब क्या होगा बताओ मुझे, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि पेरेंटल जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो आपको फिजिकल अपीयरेंस क्या कह रहे हैं भाई, टॉल एंड द ड्वार्फ, कितने टॉल आए हैं 3 टॉल और ड्वार्फ कितना आया है 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, रेशियो क्या हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1। जीनोटिपिक रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ये नहीं कहना 3 टॉल के लिए 3 ही जीन आए हैं, नहीं, एक तो प्योर होमोजाइगस में आए हैं, 2 हेटरोजाइगस में आए हैं और 1 कितने में आया है बेटा, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव आया है। तो जीन्स की टाइप हम देखेंगे, 1 तो ये वाला आया है, 2 इस तरह के आए हैं और 1 इस तरह का आया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, 2:1, रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, 2:1 हो जाएगा, ये जरूर नोट करना है आपको। आई मेरी बात समझ में, इस तरह से इन्होंने सारे रेशियो निकाले, इन्होंने फिनोटिपिक रेशियो निकाला, अपना कैलकुलेशन इन्होंने, जब आप कभी हायर क्लास में होगे और पर्टिकुलरली जब प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो क्या दिए जाते हैं, अभी सीड्स करके हमें करवाना दिया पा जाता है एक्सपेरिमेंट, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं कितने हमने सीड को किया, इतने हमारे रिजल्ट निकल के आए, तो ये सारा करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे सीधा क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में शो कर रहे हैं, किसमें शो कर रहे हैं एक्सप्रेशन में। आप तो साइंस, आप तो जैसे जैसे आते चले गए हैं, तो जो टीचर्स हैं हाइट है, तो उन्होंने फॉर्मूले भी बना दिए इसके बारे में, तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊँ कि कितने, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो कितने गैमेट बनेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस तो कितने गैमेट बनेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो क्या, ये निकाले बगैर भी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक चीज में ध्यान देना बच्चा यहाँ पे, तो आपको एक बार तो लगेगा पता नहीं क्या समझा दिया, बट अब दोबारा से ध्यान देना, दोबारा से ध्यान देना। फिर देखो मैंने अभी एक ही कैरेक्टर को चूज किया है, किसको चूज किया बेटा, एक ही कैरेक्टर को चूज किया, ठीक है, मैंने अभी हाइट को ही चूज किया है। नेक्स्ट में हमसे देखो बोर्ड में 2018 के बोर्ड में पहला क्वेश्चन ही था हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन साइंस में इसी क्रॉस से रिलेटेड, हालांकि 1 नंबर का था। अब उसके अंदर क्या दे रखा था मैं बताऊंगी, एफ1 जनरेशन में पूछ रखा था और कुछ जो 6 कैरेक्टर ना उनमें से हाइट नहीं दे रखी थी। अब देखो हमने क्या कहा भाई, सबसे पहले दोबारा से शुरू करेंगे, फिनोटाइप हमने क्या ले रखे हैं टॉल, और ये क्या ले रखे हैं ड्वार्फ, और ये मेंडल ने लिए थे, हम नहीं ले रहे, आपसे क्रॉस कैसे भी निकलवानी आ सकती है बता दूंगी आपको, प्योर टॉल लिए एंड प्योर ड्वार्फ लिए। 1/SS हम नेक्स्ट आते चले जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्रॉस किस तरह से निकलवानी पूछ सकते हैं आपको। तो जीरो टाइप एक प्योर टॉल है, तो प्योर मतलब होमोजाइगस है, टॉल के लिए हम क्या लिखेंगे जीन्स का, इस तरह से इसकी एलील फॉर्म भी सेम हो जाएगी और इसकी भी एलील फॉर्म सेम हो जाएगी, गैमेट ट्रांसफर होंगे तो भाई एक एक ही तो आएगा, क्योंकि इसने एक ही तो कैरेक्टर चूज किया, इसीलिए तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया वो। फिर दूसरी बार उसने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया, 3 को नहीं लिया उसने, तो भी उसकी, क्योंकि कम कैरेक्टर को चूज करके उसने अपनी लाइफ में क्या की, सक्सेस हासिल की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बन गए, फिर F1 जनरेशन आएगी, तो अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट सारे एक जैसे बन रहे हैं, तो पन्नर चेकर बोर्ड का भी क्या होता है बेटा, चेकर बोर्ड का भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मेल गैमेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, टाइप ऑफ मेल गैमेट बात करें, नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल गैमेट नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीमेल गैमेट, यहाँ गैमेट तो 2 बने लेकिन टाइप एक ही है, यहाँ पे गैमेट 2 है बट टाइप तो एक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी के बने हैं, तो 1 × 1 क्या करेंगे तो 1, या एक ही चेकर बोर्ड बनता है, इसलिए हम इसमें नहीं बनाते हैं, एक ही चेकर बोर्ड बनेगा भाई, यहाँ पे कर लो ये मेल गैमेट होगा फीमेल, तो सारा रेशियो यही निकल के आएगा, लेकिन प्रोजेनी चाह रहेगी तो मैं सारे फॉर्मूले अभी एक बार समझा के आपको सारे जितने फॉर्मूले वो बता दूंगी। तो यहाँ पे जनरेशन ये आई, लेकिन कैसी टाइप की जनरेशन आई है, हेटरोजाइगस आई है, कैसी आई हेटरोजाइगस, बट प्लांट सारे के सारे कैसे बनेंगे, यहाँ पर टॉल बनेंगे, फिर सेम सेल्फिंग करवा दी, मेल भी ऐसा ही ले लिया और फीमेल भी, फिर क्या बने यहाँ पर गैमेट्स बने, निकाल के जरूर देखना एक बार समझने के बाद में। फिर F2 जनरेशन आई, अब यहाँ पे होगा ना टाइप ऑफ द गैमेट, आपसे ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी चेकर बोर्ड्स आर फॉर्म इफ द गैमेट्स आर दिस एंड दिस, तो आपको खाली क्या करना है गैमेट की टाइप देखनी है, मेल गैमेट कितने हो गए 1, 2 और फीमेल 4, इसलिए आप बिना आंख बंद किए ही 4 चेक्स बना दो सही निकलेगा। तो मैं आपको डायहाइब्रिड कराऊंगी तब, एक तरफ मेल गैमेट एक तरफ फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, दिस वन एंड दिस वन,
हो गया तुम्हारे पास ये आई एफ टू जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द स्मॉल टी एंड द स्मॉल टी. फिनोटाइपिक रेशियो पूछेंगे ये कैसा प्लांट आया है, टॉल. ये भी डोमिनेंट जीन आ गया तो टॉल, पता हेटरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है टॉल. और ये कैसा प्लांट आ गया है, ड्वार्फ आ गया. तो फिनोटाइपिक रेशियो में तीन टॉल आए हैं और एक कैसा आया है, ड्वार्फ. तो रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो 3:1. और जीनोटाइपिक रेशियो में एक तो इस तरह का कैपिटल टी आया, जीन्स के जीन देखने हो आपको बस, ठीक है, इस तरह का. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा. क्लियर है बेटा. एक बार तुमसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज द रेशियो इन एफ टू जनरेशन ऑफ हेटरोजाइगस टेल टू होमोजाइगस या हेटरोजाइगस टेल टू ड्वार्फ हेटरोजाइगस टोल. तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना हमें, हेटरोजाइगस टोल टू ड्वार्फ. अब हम आग बंद करा थे, टॉल थ्री फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1 होता है, 3:1 पे निशान लगाया. हेटरोजाइगस टोल पूछे हैं, ये तो होमोजाइगस टोल आया, हेटरोजाइगस तो दो ही टोल आए हैं, 2:1 रेशियो आ जाएगा इसका. क्या आ जाएगा, 2:1 रेशियो. तो आपको जब एक बार करना शुरू करोगे ना तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी. इतनी मेरी बात समझ में आ गई बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है. अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कोई भी कैरेक्टर चूज करेंगे, हमसे जो कैरेक्टर आया है वो फ्लावर का, और उसमें लिखा नहीं जाता इसीलिए आपको वो तो मैंने बताया था कि मेंडल, और वहाँ लिखा है मेंडल ने कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो फ्लावर था, ठीक है, क्रॉस करवाया गया, मेंडल क्रॉस द फ्लावर कलर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो क्या है. तो अब इसमें नहीं है कि आपको पता याद रखना है कि डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा है. तो आपको सबको पता है फ्लावर के अंदर डोमिनेंट का कौन सा कलर था, वायलेट, और रिसेसिव कौन सा कलर था, वाइट था, ठीक है ना. तो फ्लावर कलर ले लिए, आप कोई भी निकाल सकते हो. फिनोटाइप हमने क्या कहा, वायलेट फ्लावर, और कैसे फ्लावर क्या है, व्हाइट फ्लावर्स के. तो इसके लिए जीनोटाइप हमने इसका पहला अवॉर्ड लिखेंगे कैपिटल वी एंड कैपिटल वी. होमोजाइगस ने प्योर लिए थे स्मॉल वी ओके. फिर इसके गैमेट बनेंगे इस तरह से बन जाएंगे सेम टू सेम. एफ वन जनरेशन सेम बनेगी सारी की सारी, ऑल आर विद वायलेट फ्लावर. कैसे फ्लावर के पास साथ ही आएंगे, वॉलेट फ्लावर के साथ. फिर क्या करवा दी गई, सेल्फिंग, मेल भी ऐसे ही ले लिया और फीमेल भी ऐसे ही ले लिया. फिर इसमें गैमेट बने सेम इस तरह से बने, इस तरह से गैमेट. फिर एफ टू जनरेशन आएगी तो वही एफ टू जनरेशन कैपिटल वी कैपिटल वी. हम इनको नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, ये आई इस तरह की आई. तो फिनोटाइपिक रेशियो तीन कैसे आए हैं, वॉलेट आए और एक कैसा आया है, वाइट आया. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 फिनोटाइपिक तो, और जीनोटाइपिक रेशियो सेम वही निकल गया 1:2:1. तो कैसा भी निकाल के कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है, और आपको पता है जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए थे उनमें डोमिनेंट नेचर का कौन सा रिसेसिव, कभी मेंडल की क्रॉस आई. अनलेस आपको कभी अलग तरह से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे, वी क्रॉस अ प्लांट विद द प्योर टॉल एंड द प्योर ड्वार्फ, ठीक है, प्योर टॉल इज द डोमिनेंट ओवर, वो लिखा मिलेगा आपको हर कंडीशन में. क्या होगा बेटा, लिखा मिलेगा कि विच वन इज डोमिनेंट ओवर विच, ठीक है, इस तरह आपको सारी चीजें लिखी मिलेंगी. क्लियर है बेटा सारे बच्चों को. तो हमारे पास 2018 जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि मेंडल क्रॉस द प्योर वॉयलेट फ्लावर विद द प्योर व्हाइट फ्लावर, देन व्हाट विल बी द एफ वन जनरेशन, विच टाइप ऑफ द फ्लावर इन द एफ वन जनरेशन. तो अगर आपको पता है कि भाई वॉलेट डोमिनेंट है, एफ वन जनरेशन ने पूछ रखी इन्होंने, एफ तो एक ही नंबर का था, तो हमारे पास एफ वन जनरेशन में सारे के सारे कौन से फ्लावर आ गए, ऑल आर विद वॉयलेट फ्लावर्स. आई मेरी बात समझ में बेटा. तो आप निकाल के देखना जो भी कैरेक्टर बच गया, जैसे हमारे पास में सीड की शेप बच गई है, सीड की शेप राउंड होती है किसके, रिंकल की. तो यहाँ पे आप आर एंड आर हो जाएगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर हो जाएगा, गैमेट बन जाएंगे गैमेट इस तरह से. तो पहले जनरेशन ऑल आर राउंड ही आएगी सबके साथ, इसीलिए तो सक्सेस हुआ, उसने सात कैरेक्टर चूज किया, इंडिविजुअल सबके साथ वो चीज करता चला गया, इंडिविजुअल उसने सारा ग्रो किया. तो इस तरह के उसके रेशियो सबके जो रेशियो आए वो यही आए 3:1 रेशियो आए. हालांकि उन्होंने सीड काउंट किए थे तो इतने प्लांट में से वो रेशियो निकाला काउंट करके, क्योंकि काफी इस बार सीड जर्मिनेट भी नहीं होते, तो नियर अबाउट 3:1 सबका कैलकुलेट जब किया, भाई 50 सीड लिए उसने इस तरह से तो 15 तो क्या 3:1 रेशियो आता है ना, 50 सीड लिए तो उसका 3:1 रेशियो मिले, इस तरह से काउंट किए तो इतने इतने रेशियो निकल गए, ठीक है. तो इस तरह याद रखना बेटा. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एफ टू जनरेशन आ जाएगी तो सेम एफ ये गैमेट बना देंगे दोबारा से, हर बार गैमेट बनेंगे तो यहाँ पे आर आर सेम वही चीजें आ जाएंगी.
मेरे हिसाब से आप करोगे तो आराम से आ जाएगा, तीन राउंड आएंगे, एक रिंकल आएगा, रेशो सब में वही आता चला गया और हमारा रिजल्ट क्या आया इन्होंने, इनका सेम, इसीलिए तो उसने इतना काम किया और हर बार उसका रिजल्ट भी सेम आया, तभी तो उसने रिजल्ट निकाले इस तरह से। पहले तो 7 साल काम किया, फिर 2 साल उसको रिजल्ट निकालने में लगे, 1863 तक उसने काम किया, 1865 तक उन्होंने सारे रिजल्ट अपने इकट्ठे किए, इस तरह से लिखा, फिर उसने अपने पेपर में लिखा, फिर पब्लिश किया 1866 के अंदर। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है, क्लियर है सारे। आज तो फिर भी हम इस तरह से डायरेक्ट निकाल रहे हैं ये मेंडलिज्म। अब यहाँ पे अगर मैं पहले एक चीज बताऊं आपको, यहां से मेंडल ने लो दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जिसे मेंडलियन लो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलियन लो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर? मेंडलियन लॉ कहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट था। ठीक है बेटा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ये भी याद रखना है, बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्या रिजल्ट निकले। तो इन्होंने यहां से दो रिजल्ट निकाले और लो दिए इन्होंने, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे। तो पहला लो, फर्स्ट लो, ये सारी चीजें याद नहीं, पहला लो कौन सा था यहाँ और सेकंड लो कौन सा था। इसने तीन लो दिए टोटल मिलाकर, कितने लो दिए थे इन्होंने? तीन लो दिए थे। दो लो किससे निकले आए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकले थे। और एक लो किससे निकला था? डायहाइब्रिड क्रॉस से निकला था। किससे निकला था बेटा? डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो फर्स्ट लॉ जो इन्होंने दिया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, याद रखना, कौन सा लॉ था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो दूसरा लॉ था वो क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे हम क्या भी कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहेंगे। क्या भी कहेंगे इसे? हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहेंगे, या हम क्या कहेंगे इसे? यूनिवर्सल लॉ भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसे? हम यूनिवर्सल लॉ भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम यूनिवर्सल लॉ भी कहेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? ड्यूरिंग क्रॉस, जब उन्होंने क्रॉस करवाई है, विच आर डोमिनेंट इन नेचर, जो डोमिनेंट नेचर का होगा, विच आर इन डोमिनेंट नेचर एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर क्या कर रहा है? एक्सप्रेस। अगर प्लांट ऐसा है डोमिनेंट आया तो प्लांट टॉल ही बनेगा, अगर प्लांट ऐसा है डोमिनेंट नेचर का भी आ गया तो प्लांट क्या होगा? टॉल। जो डोमिनेंट नेचर का होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, इसे क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। क्या कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी, यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया? ध्यान देना, ये लॉ कौन सा होता है? मैंने आपको बताया अभी, गैमेट जब बनते हैं, ये प्लांट था इस तरह के, गैमेट बने तो क्या हो गए? गैमेट में ट्रांसफर हो गए जीन, गैमेट के ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स क्या हो गए थे? सेपरेट हो गए थे। क्या हो गए थे बेटा? सेपरेट हो गए थे, ताकि कैरेक्टर्स हर एक गैमेट के अंदर आएंगे तो क्या आएंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि क्या हो सके? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये ट्रांसफर नहीं होते, अगर ये सेपरेट नहीं होते, कोई किस तरह से आता, कोई किस तरह से आता, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। तो अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो क्या कहेंगे? गैमेट्स आर ऑलवेज सेपरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट क्या हो रहे हैं? सेपरेट, सो टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कैरेक्टर्स, इक्वल कैरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मतलब जब हमने पेयर के अंदर लिए रखे हैं, पेयर ऑफ जीन्स ले रखे हैं एलील फॉर्म के अंदर, तो ये क्या हो गया बेटा? दीज आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट जब बन रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या हो गए? सेपरेट हो गए टू डिस्ट्रीब्यूट द इक्वल कैरेक्टर। 10th 12th क्लास की में इस तरह से दिया कि पेयर ऑफ द, जो रिप्रेजेंटेटिव पेयर हमने लिए हुए एलील की फॉर्म में, कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट हुई
जिससे क्या हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर वहां पर हो सके। भाई एक जीन इसमें चला गया हाइट का, दूसरा जीन उसके अंदर हाइट का चला गया। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो इसे क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्योरिटी क्यों कहा गया, सेपरेट हो ताकि मिक्सिंग ना हो। क्या ना हो बेटा, मिक्सिंग ना हो। भाई जो अगर यहाँ पे नहीं होता तो एक आधा क्रोमोसोम नंबर भी इधर से उधर हो जाता तो कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो प्योरिटी लॉ कहा गया। क्या कहा गया, प्योरिटी। गैमेट सेपरेशन क्या नाम दिया गया, प्योरिटी लॉ दिया गया। और इसे यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि इसके बिकॉज दिस लॉ डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसके एक्सेप्शंस हैं, एक पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कोडोमिनेंस और एक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और किसी ने दिए थे, मैं आपको ये सब बताऊंगी। कार्ल कॉलिंस ने दे रखे हैं नहीं, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर को हमारा जो ब्लड है ना कोडोमिनेंस का आता है, ये मैं उसी के अंदर करवाऊंगी, इसके अंदर आपको नहीं करवाऊंगी अभी, ठीक है? आप कंफ्यूज होगे पूरे के पूरे। तो इन लॉ के एक्सेप्शन थे, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा गया। और हालांकि अगर आप किसी, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, क्वेश्चन आता विच वन इज द फर्स्ट लॉ विच वन इज द सेकंड लॉ, हम क्या सोचते हैं कैपिटल टी। नॉर्मल बता रहे, जो बच्चों की थिंकिंग होती है, इतना एक्सपीरियंस हो गया, जो बच्चे इतना करते करते भी हम इतना बता देते हैं उसके बाद भी गलत कराते हैं। बच्चे जब चार्ट बनाते हैं, चार्ट भी बनवाते हैं और लॉ भी पूछ लेते हैं, तो भी गैमेट सेपरेट पहले होते हैं, फिर फ्यूजन होगा, फिर रिजल्ट आता है कि टॉल प्लांट भी डोमिनेंट आया तो टॉल। तो इसके अकॉर्डिंग देखते देखते बच्चे कराते हैं कि पहले सेपरेट हुए तो पहले उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया और उसके बाद में सेकंड लॉ क्या कराते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बिल्कुल एंड बिल्कुल गलत है। तो पहला लॉ जो इन्होंने दिया वो क्या दिया, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, क्योंकि इसका मेन यही था। उसने रिजल्ट देखा पहले, क्या देखा उसने, रिजल्ट देखा कि प्लांट टॉल बन रहे, डॉर्फ बन रहे, किस तरह के बन रहे हैं। तो इन्होंने इसे पहला लॉ दिया और लॉ क्या नाम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। जब हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, जब हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, द जीन्स विच आर डोमिनेंट इन नेचर, द जीन्स विच आर डोमिनेंट इन नेचर विच एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, वो हर हाल में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, वो चीज़ हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो नहीं आएगा। इससे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है कि मेंडल, हाउ गेट मेंडल प्रूव दैट द जीन्स गेट, मतलब आर एक्स क्या होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव किस तरह से आते हैं। मैं आपको बोर्ड की तैयारी करवाऊंगी तो आपको सब चीज़ें बता दूंगी, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान देना, आगे बढ़ा मेरी बात समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी, यूनिवर्सल लॉ कहा गया। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या करवा दी है, मेंडल्स की मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई है। क्या करवाई है बेटा, मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं और फिर मैं आपको यहाँ फॉर्मूले बताती हूँ, पहले चलो क्या बताती हूँ, यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पर तो सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला आता है, पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप प्रोजेनी। F2 जनरेशन में हो बेटा ये, क्योंकि F1 में जिसके अकॉर्डिंग सारी सेम आई थी इन F2 जनरेशन। ओके, फिर हम याद करेंगे, बताएंगे पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप प्रोजेनी इन F2 जनरेशन, या जीनोटाइप भी लिख सकते हैं इन F2 जनरेशन। फिर अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, कितनी तरह की टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी बनेगी। ओके, भी कितनी जनरेशन, हमने पहले जनरेशन में कितनी आई है, चार आई है, दूसरे में भी कितनी आई है, चार, चार टोटल प्रोजेनी बन रही है। तो ये वाली बात करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो का फॉर्मूला एंड जीनोटिपिक रेशियो का फॉर्मूला, और लास्ट में हम बात करेंगे नंबर ऑफ चेकरबोर्ड,
नंबर ऑफ चेकर्स चेक्स इन पन्नट डायग्राम, कोई पन्नट भी बोल देता है, मर्जी होती है कोई पन्नट भी बोल देता है, इन पन्नट डायग्राम या चेकर बोर्ड के अंदर कितने चेक्स बनाने पड़ते हैं। ये नहीं मैं आपने बना दिया यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा दो गैमेट यहाँ बने थे बट एक जैसे थे, और यहाँ दो गैमेट एक जैसे बने थे, और हमारे पास यहाँ पे भी आपने चार चेक्स बना दिए, तो गलत हो जाएगा। टाइप ऑफ द यहाँ पे तो एक और एक, तो दो ही एक ही चेक बनेगा। तो ये सारी चीजें, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले क्या बताया, पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट्स, कितने गैमेट बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2^n। n यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस। अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई, अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर, मोनोहाइब्रिड किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंगल को, तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, दो गैमेट कितने बने थे, दो ही तो बने, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, उधर फीमेल की स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, मेल अलग देखना फीमेल अलग देखनी, टोटल सबके काउंट नहीं करना है, आगे तो दो ही तो गैमेट बने थे ना बेटा हमारे। तो इस तरह से अगर हमारी नेक्स्ट मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करवाऊंगी, 2^2 का पावर, डाई का मतलब क्या हो गया, दो कैरेक्टर क्रॉस है भाई, दो दो कैरेक्टर लिए गए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करवाया है, दो, तो कितने गैमेट बनेंगे वहां पर, चार गैमेट बनेंगे, ओके। अगर हमने तीन की क्रॉस करवाई तो 3 × 2 × 2 तो दो चार दो आठ, आठ गैमेट बने। तो आपको ये नहीं है कि भाई हमें गैमेट निकालना पड़ेगा, हमें गैमेट निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद रख लेना, ये फॉर्मूले याद रख लेना। तो हमने क्या किया, 2^n, n का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, दैट पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप प्रोजेनी कितनी बनेगी, क्या बनेगी बेटा, फिनोटाइप प्रोजेनी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाँ क्या होगा बेटा, 2^n होगा, क्या होगा, 2^n, n का मतलब यहाँ पे वही क्रॉस हो जाएगा, n का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस, 2^2 तो कितना हो गया, 2। दो तरह की तो प्रोजेनी, टाइप ऑफ प्रोजेनी हम कह रहे हैं, टोटल प्रोजेनी मैंने नहीं बताई, चार टोटल प्रोजेनी बननी थी, लेकिन वहां फिनोटाइप कितने बने थे भाई, टॉल एंड ड्वार्फ, कितने बने थे, टॉल एंड ड्वार्फ, तीन टॉल बने थे एक भाई, प्रोजेनी तो फिनोटाइप तो दो ही तरह के आए थे, टॉल या ड्वार्फ आए थे, तीन तरह के थोड़ी ना आए थे। तो यहाँ पे कितने आ गए हैं, यहाँ पे 2^n, n मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। जब जीनोटाइप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3^n, n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉस, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉस हो जाएगा, क्लियर है बेटा, आई मेरी बात समझ में, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉस। तो 3^2 n, क्या हो गया, 3^2 n, n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर, क्योंकि मैं जब ये बताऊंगी तो वहां पे अलग n, n का मतलब दूसरा होगा, यहाँ पे भी ये 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो कितना हो गया, 3 आ गया, तो तीन तरफ जीरो टाइप बने थे, कैपिटल टी बना था और कैपिटल टी स्मॉल टी बना था और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, एक दो तीन तरह के तो जीरो टाइप बने थे, आगे मेरी बात समझ में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूं आपको यहाँ नंबर ऑफ प्रोजेनी के लिए, तो ये 2^n नहीं होगा बट यहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स होगा, क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ गैमेट्स होगा। मोनोहाइब्रिड के लिए कितने प्रोजेनी बनी है, दो, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ गैमेट, मोनोहाइब्रिड के नंबर ऑफ गैमेट कितने होते हैं, दो ही बने थे ना, तो यहाँ पे 2^2 = 4, तो टोटल प्रोजेनी 4 ही तो बन रही थी या नहीं, और टोल 4 बन रही थी, कैपिटल टी है, इस तरह से लगा लो। तो प्रोजेनी के लिए जो n आएगा वो क्या आएगा बेटा, वहां पे नंबर ऑफ गैमेट। तो देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ गैमेट डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट निकालेंगे 2^n, n क्या हो जाएगा, क्रॉस है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए 2^n है, n नंबर ऑफ क्रॉस ही है, जीनोटाइप निकालने के लिए 3 है, n है और ये वाली हो गई है, और टाइप ऑफ द प्रोजेनी निकालने के लिए 2^n, n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स होगा बेटा, क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स होगा। फिनोटिपिक रेशियो अगर मैंने बात की है तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है बस, 3:1 आया था, 3^n, n का मतलब क्या हो गया, क्रॉस। अब सीधी सी बात है, आपको ये मोनोहाइब्रिड का पूछा तो कितना हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा, डायहाइब्रिड का पूछा तब ये मत कर देना 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 1। आपको पता है जब हम इस तरह को ये रेशनल को मैथ में लिखते हैं, आप क्रॉस करवाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, पहले इसी को करना पड़ेगा, फिर 1 × 3 = 3 और 1 × 1 = 1, तो रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। मैम हमारे नेक्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो यही रेशियो निकल के आएगा, यही रेशियो निकल के आएगा। तो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको,
ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप के लिए मोनो हाइब्रिड का फॉर्मूला याद रख लो, 1:2:1 रेज़ टू द पावर n, n का मतलब क्या हो गया क्रॉस, मोनो हाइब्रिड का इसलिए यही रिजल्ट आ गया। डाई हाइब्रिड होता है, डाई हाइब्रिड हालांकि तुमसे इतना नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर अपना डाई हाइब्रिड हो गया है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे दो हो गए तो दो पर लिख लिया, पहले को सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर क्या किसको करो आप, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, फिर थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करो। आप ऐसे ही तो करते हो ना बेटा, ऐसे तो रिजल्ट निकालते हो, तो ये रिजल्ट ऐसे आप अगर क्रॉस ट्राई हाइब्रिड सॉरी आपको नंबर नहीं करना कि चार में दो मेल गैमेट बने दो फीमेल, टाइप को चूज करना है। जैसे अगर हम बात करेंगे F1 के टाइम पे ये वाले थे और यहाँ पे ये वाला था, तो एक ही टाइप होगी 1 × 1, तो एक ही चेक बोर्ड बनाना था, इसलिए रिजल्ट हमारा सारा सेम टू सेम आ गया। और अगर मैं बात करूँ जब हमने F2 जनरेशन निकाली थी, यहाँ कैपिटल T स्मॉल T, यहाँ दो टाइप के कैपिटल टी बन रहे थे, स्मॉल T, तो कितने चेक्स बन जाएंगे, चार चेक्स बन जाएंगे। इस तरह से आपको बस ये याद रखना है, टाइप ऑफ मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाई टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। तो बताओ बेटा फॉर्मूले याद हुए, अब जैसे आपको मोनो हालांकि आप तो हमने निकाल के देख लिया, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, और जब बच्चे कल को 12th क्लास में नीट के लिए तैयारी करेंगे, ये फॉर्मूले अपने रख के रखना, आपको बुक्स के अंदर जनरली नहीं मिलते, बहुत हाई बुक्स के अंदर मिलेंगे, या कोई टीचर जिसको नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको बता देगा इन फॉर्मूलाज के बारे में, और इतने अच्छे हैं क्योंकि हमें बहुत बच्चे जिनको नहीं पता होता है तो उन्हें पूरी क्रॉस निकाल के देखनी पड़ती है, और उसमें हमारा कम से कम देखो क्रॉस आपने मोनो हाइब्रिड देखा और उस टाइम हमसे निकलती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारे बस ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, बस आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है क्या भाई हमने गैमेट्स हम निकाल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट डिफरेंट नंबर ऑफ गैमेट निकाल रहे, कुछ भी लगा लो, ठीक है। नंबर लगा लो तो 2 रेज़ टू द पावर n हो गया, टाइप की जगह आपको नंबर भी किसी नंबर गैमेट्स बने टाइप बने वही होगी, n मतलब क्रॉस हो गया। फिनोटाइप के अंदर हमने क्या किया, 2 रेज़ टू द पावर n, n भी क्रॉस हो गया। जीनोटाइप के लिए 3 याद कर लेना, मोनोहाइब्रिड में 3 जीनोटाइप बने तो 3:2 रेज़ टू द पावर n, और टोटल नंबर ऑफ द प्रोजेनी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n, n यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ गैमेट्स होगा। मोनोहाइब्रिड में 2 तो 4 जनरेशन आई थी, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 याद रखना उसको, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 याद रखना, नंबर ऑफ चेक्स अपन ने डायग्राम में टाइप ऑफ द मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाय द टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो यहीं पर अगर मैं छोटी सी चीज बताऊं, तो इस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, नवे थोड़ा कट कर देते तो कभी हमारे सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएगी, ओके बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने जो बात की कि क्रॉस होता है सिंगल कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, पेरेंट्स लिया, एक मेल लिया और एक क्या लिया हमने फीमेल लिया, फिर हमने क्या फिनोटाइप लिखना यही है, कैरेक्टर हमने क्या चूज कर रहे हैं हाइट, तो उसका ट्रेट फिनोटाइप हम ऐसे तो लिखेंगे टॉल है या फिर ड्वार्फ है, फिर हमने क्या लिखेंगे इसकी जीनोटाइप पे हम आ जाएगा, उसमें रखा था इसका पेयर बन गया, फिर क्या बनेंगे गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स का फॉर्मूला मैंने क्या कहा 2 रेज़ टू द पावर n, n क्या होगी क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो दो गैमेट बनेंगे, हो गए। फिर क्या बनेंगे इनकी F1 जनरेशन, प्रोजेनी कितनी बनेगी 2 रेज़ टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ गैमेट्स है, 2 और 2 का रेज़ टू द पावर 4, चार तो नई जनरेशन आई, प्रोजेनी मतलब नई जनरेशन आई है, तो चार आए लेकिन चारों कैसे आएंगे, इस तरह के आएंगे, ऑल आर हाइब्रिड। तो फिर हमने क्या की सेल्फिंग करवा दी, मेल भी यही ले लिया और फीमेल भी, अब हमने क्या कहा भाई नंबर ऑफ गैमेट्स, या अगर हम बात करें गैमेट वही है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रही है तो ये वाली सेम दो गैमेट बन जाएंगे। अब हमने क्या कहा फर्टिलाइजेशन करा F2 जनरेशन, अगर यहाँ पे चेक बोर्ड बनाएंगे तो एक ही चेक बोर्ड बनाना पड़ेगा, कैपिटल T स्मॉल T, ये सारे एक जैसे आएंगे। F2 जनरेशन में अगर हमने बात की तो प्रोजेनी कितनी बनेगी, वो 2 रेज़ टू द 2 4 प्रोजेनी बन जाएगी। चेक्स कितने बनाने पड़ेंगे, दो इधर है, तो आँख बंद करके बना देना आप 4, ठीक है। इधर मेल गैमेट लिख दिए, इधर आपने क्या लिख दिए फीमेल गैमेट लिख दिए, कैपिटल T, इसे आसानी हो जाती है,
डोमिनेंट को नेचर है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, इसको हमने यहाँ पे किया था ऐसे नहीं लिखते, या डोमिनेंट हमेशा पहले लिखा जाएगा और ये वाला। अब अगर हम बात करेंगे ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, सॉरी ये भी टॉल ही है, ये भी टॉल ही है, बट ये कैसा है ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो पूछते हैं। घबराना नहीं, फिनोटिपिक मतलब पैरेंटल केयर, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन सारी बताई है। 3 टॉल आए हैं और 1 क्या आया है ड्वार्फ आया है, 3:1। अगर जीरोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। मैंने कहा ना फिनोटाइप कितने बनेंगे, कितने तरह के बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने रेशियो निकाला 2:n, 2:n का मतलब क्या हो गया बेटा, एन मतलब क्या हो गया, देखो ये निकाला था फिनोटाइप, एन मतलब क्रॉस, तो दो ही तो बने हैं टॉल एंड ड्वार्फ, और जीरोटाइप के लिए हमने निकाल रखा है 3:n, एन मतलब क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है क्या हो जाएंगे क्रॉस, तो कितने बने हैं 3 ही तो बने हैं, एक तो ये बना है 1, 2, 3, लेकिन रेशियो 1:2, ये दो बने तो 1:2:1। डायहाइब्रिड का पूछ रहे कितने प्रोजेनी, आप याद रखना, मैं तुमसे पूछूंगी फॉर्मूले याद रखना, मैं करती जाऊंगी, तो ये इसमें गैप, ठीक है इसमें अगर हम बात करेंगे 2:2n, तो यहाँ पे 4 प्रोजेनी बनती है डायहाइब्रिड में हमेशा, मतलब 4 तरह की चार तरह की फिनोटाइप बनेगी, प्रोजेनी तो 16 बनेगी, ओके। अगर हम बात करेंगे जीनोटाइप तो कितने बन जाएंगे 3:2, यहाँ पे क्या होगी क्रॉस, तो 3×3, तो 9 ही जीनोटाइप बनेंगे, वहाँ पे बने थे ना कि मैंने बताया था 1:2 आप करोगे तो 9 ही तक की बनते हैं। क्लियर है बेटा, आप बताना अगर आई फॉर्मूले में थोड़ा सा याद रख लेना, जरूरी आप मैथ के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले रखते हो, तो ये तो थोड़ा सा ही फॉर्मूला आपका, ठीक है बेटा, और बताना। और इसके यहाँ से रिजल्ट जो निकला वो 2 रिजल्ट निकले, पहला रिजल्ट क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट लॉ दिए, क्या दिए बेटा उन्होंने, पहले लॉ दिए, और पहला लॉ क्या दिया उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, और दूसरा लॉ क्या दिया इन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। पहला लॉ क्या दिया बेटा उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा लॉ दिया इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। फर्स्ट कौन सा दिया, लॉ ऑफ, पहला लॉ, फिर क्या आया सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट था डोमिनेंट नेचर का होगा, एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, उसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस का, सेकंड लॉ सेग्रीगेशन लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसे हम क्या भी कहेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी, क्या भी कहेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी, या क्या भी कहेंगे इसे, यूनिवर्सल लो, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, गैमेट्स होंगे होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बताऊंगी, अगर गैमेट क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, क्रोमोसोम नहीं सेपरेट हो पाते हैं, ठीक है क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, तो या क्या काम है गैमेट क्या हो गया, सेपरेट हो गए बिफोर फर्टिलाइजेशन, या जीन सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टर वहां पर हो सके। क्लियर है बेटा, आ गई मेरी बात समझ में, तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास होगा हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, जब मैं आपको दो बताऊंगी, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस जो हमारे ब्लड रिलेटेड आता है, जिससे आप जितने भी ब्लड से रिलेटेड क्वेरीज थी वो सारी की सारी इसमें सॉल्व हो जाएंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद हमारा लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, वो भी बहुत बड़ी नहीं है, बस उसको समझना है, और उसके बाद लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है बेटा, ओके थैंक यू।